इस मूवी को इंक्लूड करके गोस्टबस्टर्स की अभी तक 5 मूवी आ चुकी है। पहली मूवी 1984 में बनी गोस्टबस्टर्स, दूसरी 1989 में गोस्टबस्टर्स 2, 2021 में बनी गोस्टबस्टर्स आफ्टरलाइफ और अब 2024 में बनी गोस्टबस्टर्स फ्रोजन एम्पायर। फिफ्थ मूवी यानी कि 2016 में बनी मूवी गोस्टबस्टर्स एक तरीके से रीबूट थी। अब इनमें से 4 मूवीज के बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि किसी भी मूवी को मैंने पूरी तरीके से नहीं देखा है, बस आधा थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ देखा है। बट इस मूवी को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये मूवी फन टू वॉच थी। अच्छे एफेक्ट्स भी थे बट इतनी भी इंटरेस्टिंग नहीं थी कि पसंद है। मूवी की स्टोरी फोकस करती है स्पेंगलर परिवार पर जो कि अपनी डेली लाइफ में लगे पड़े हैं गोस्ट को पकड़ने में अपने लेटेस्ट वीएड येट इंप्रेसिव टेक्नोलॉजी से। ये अब रहते हैं न्यूयॉर्क में फायर हाउस में जहां से गोस्टबस्टर स्टार्ट हुई थी। मगर जब उनके सामने एक एंशिएंट ऑर्ब आ जाता है जिसके अंदर कुछ मिस्टीरियस मैलेवोलेंट और पावरफुल गोस्ट है, तो इस बार पुराने और नए दोनों गोस्टबस्टर्स मिलकर इस ताकतवर गोस्ट को पकड़ने की कोशिश में लग जाते हैं। कौन है ये नया पावरफुल गोस्ट और क्या गोस्टबस्टर्स इसे पकड़ पाएंगे या नहीं, कुछ इसी स्टोरी को बेहतरीन वीएफएक्स डीसेंट कॉमेडी बट अगेन नॉट सो मच इंप्रेसिव स्टोरी से एक्सप्लोर करती है ये मूवी जिसका नाम है गोस्टबस्टर्स फ्रोजन एम्पायर। मॉर्निंग एट 12 o'clock. Ghostbusters Frozen Empire ये रिलीज हुई इंडिया में 26 अप्रैल 2024 को और ये रिलीज हुई इसकी ओरिजिनल इंग्लिश एज वेल एज डब्ड हिंदी लैंग्वेजेस में। वैसे इसका ऑफिशियल हिंदी डब्ड ट्रेलर आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आपको अच्छे वीएफएक्स देखने हैं, डीसेंट एक्शन सीक्वेंसेस देखने हैं, थोड़ी बहुत कॉमेडी भी चाहिए और एक फन टाइम बिताना है विद वियर्ड गैजेट्स, तो ये मूवी आपके लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज रहेगी, मूवी की स्टोरी जो उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा मुझे। मूवी में इतने सारे कैरेक्टर्स होने के बावजूद मूवी सिर्फ 3 लोगों पर फोकस करती है। पहला मैकेना ग्रेस एज फीबी स्पेंगलर जो कि अडल्ट नहीं है इसीलिए गोस्ट बस्टिंग नहीं कर सकती, बट क्योंकि ये नर्ड है ये उसे छोड़ना भी नहीं चाहती। तो मूवी ये क्लियरली दिखा देती है कि इनको बड़ा मजा आता है रिस्क लेने में और गोस्ट पकड़ने में, जो कि ये मना करने के बावजूद करती भी हैं। बट स्टिल ये हमेशा उदास क्यों रहती हैं ये एक मिस्ट्री है। 80% ऑफ द मूवी सिर्फ इनके बारे में ही है। दूसरा, मूवी डैन एकॉर्ड एज रे स्टैंस पर फोकस करती है जिनको हमने गोस्टबस्टर्स के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में देखा था। मूवी ने बड़े होशियारी से पुराने गोस्टबस्टर्स के मेंबर्स को इस मूवी में डाला है और अगेन एक बहुत ही पुराने गोस्ट के साथ, ताकि नए गोस्टबस्टर्स इस मिस्ट्री को सॉल्व कर पाएं, विच वाज स्मार्ट आई थिंक। और क्योंकि अगर ये मुझे पसंद आई है तो कहीं ना कहीं ढेर सारे ऑडियंसेस को भी पसंद आएगी। तीसरा है हमारे कुमाल नानजियानी एज नदीम, हु इज द ओनली कैरेक्टर इन द मूवी जो आपको अपने हरकतों और डायलॉग से हंसाता है। सबसे वियर्ड बात इनके कैरेक्टर की ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल कैरेक्टर होने के बावजूद भी इन्हें बहुत ही कम स्क्रीन टाइम मिला है। बट अगेन जितना भी स्क्रीन टाइम इन्हें मिला है उसमें ये हमें जरूर इंप्रेस करते हैं और एक छाप छोड़ जाते हैं। ये मूवी ऑलमोस्ट 2 घंटे की है और ट्रस्ट मी मूवी में इतना ड्रामा है कि 2 घंटे भी बहुत लंबे लग रहे थे, इतना कि बार बार मुझे अपना घड़ी देखना पड़ रहा था ये जानने के लिए कि मूवी कब खत्म होगी। और अगर मूवी देखते दौरान आप ऐसा करते हैं इसका मतलब मूवी आपका इनफ अटेंशन नहीं ले पा रही है। पुराने कास्ट को लाना एक अच्छा आइडिया था और नए कास्ट के साथ में मिंगल करना एक बहुत ही अच्छा आइडिया था। गोस्टबस्टर्स अगेन एक फन हॉरर फ्रेंचाइज है बट मुझे लगता है इट्स टाइम कि ये फ्रेंचाइज अब कुछ सीरियस ऑफर करे अपार्ट फ्रॉम देयर यूजुअल गोस्ट एंड वीएफएक्स जो आजकल हर एक मूवी में हमें देखने को मिलती है। बट स्टिल अगेन ये वन टाइम वॉचेबल मूवी है, मेरी तरफ से हाँ है, इसे जरूर देखिए। बट अनफॉर्चुनेटली इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 6.5/10। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको रिव्यू पसंद आया है, अगर आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।